ये देखो थोड़ा डर डर लगा। अरे वो आराम से भाई। अरे 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 आराम से आराम से आराम से आराम से बहुत। अरे यार दिस इज वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस। विकास भाई लगी तो नहीं ना, लगी तो नहीं। बहुत धीरे आना, बहुत धीरे आना। हाँ धीरे 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 आओ, धीरे 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 आओ। बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी। ब्रेक नो ब्रेक नहीं नहीं हल्का सा एकदम। फोर हाई पे आना अजू भाई, फोर हाई पे आना। हाँ फोर लो पे, सॉरी सॉरी फोर लो पे। हाँ हाँ खींच के ब्रेक धीरे एकदम इसी तरह हल्के हल्के आओ, हल्के हल्के आओ, हल्के हल्के आओ। ये टर्न निकल गया फिर हम लोग धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। मैं गिर गया, मेरे हाथ में बहुत तेज चोट आई। हाँ थोड़ा लगा अभी, ठीक है अभी हाथ ठीक है मूवमेंट। हाँ 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 मैं आपको यही तो बोल रहा था ना भाई। हाँ एक आगे वाले टायर में बांध लेते ना। आगे वाले में जा ही नहीं रहा यार, रुक नहीं जा रहा है। एक मिनट ट्राई नहीं क्या? अरे दौड़ो मत, दौड़ो मत, दौड़ो मत। मैं गिरा इतनी तेज। हाँ बहुत, मेरे पास वीडियो भाई इतनी जोर से गिरा। बहुत तेज गिरा हूँ, बहुत तेज। अरे ये पता है भाई ये तो बहुत गंदा हाल हो रखा है। अरे बहुत गंदा, यहाँ से निकल जाते हैं। अरे धीरे 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 धीरे, मैं भी यही गलती कर रहा था। भाई यहाँ पे निकाल के ना ये वाला गंदा टर्न है, ये सबसे गंदा टर्न। हाँ ये गंदा टर्न है और उसके नीचे भी एक गंदा टर्न है। गिर गए? अरे तो आप धीरे चलो ना। तो इस आगे वाले टायर में भी स्नो चेन बांध रहे हैं क्योंकि ना टर्न्स इतने गंदे हैं ना कि बिना स्नो चेन के। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 भी नहीं बजे हैं। हाथ काम करना बंद कर दिया ना। हाँ सुन लो भैया, सुन लो भैया क्या हुआ, स्लिप कर रहा है। अब छोड़ो गिलू, छोड़ो थोड़ा सा। पता क्या हुआ है? हाँ हाथ काम नहीं कर रहे ना बिल्कुल। हाँ अरे वो आराम से भाई। अरे क्या कर रहे हो आप यार? कर क्या रहे हो भाई? आप इतना दौड़ भाग मत करो ना प्लीज। दो टायर में काफी है, दो टायर में काफी है। हो गई, यहाँ पकड़ो थोड़ा सा। अरे धम धम करके आवाज आ रही है और हाथ रहे, ये तो अल्लाह के। ये खुला हुआ अजू भाई, एक तो खुला। अरे भाई 2 मिनट बस 2 मिनट भैया। क्या हुआ, टूट गया क्या? हाँ यार वो लूज है ना। अब तो ठीक है ना सर? हाँ ठीक है। तो वो है ना ये अटके ना कहीं, कभी आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ता है मेरे को। ये लगता है श्रीनगर के बाद अभी यूज हो रही है ना? नहीं हुई आज तक, एक बार हुई थी वैसे। और लगानी क्या बताओ आप बताओ। नहीं नहीं दो से काफी है, काफी एक उधर है ना एक इधर है, बस ठीक है। हम देखते हैं क्या होता है। आप पत्थर रखना, गाड़ी कंट्रोल होगी भाई, कोई टेंशन नहीं है। नहीं स्नो चेन हेल्प करेगा, पूरी कर रही है, पूरी ग्रिप पा रही है पूरा। हाँ चेन पता भी चल जाएगा कि लूज नहीं है। अभी ब्रेक मार रहे हैं। ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं। बहुत ध्यान से चलेगी चलेगी, जान दे जान दे।
हाँ ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से आराम से। मेरे को यहाँ पे बहुत, अरे यार रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है। मेरा फोन में गिरा और फोन पानी में, पानी में नहीं गया ना, कहाँ गया? पानी ऊपर था भाई, बहुत ऊपर गया था, 5 फीट ऊपर। अरे यार अज्जू भाई, अज्जू भाई अब यहाँ पे बैठते हैं गाड़ी में ना, मैं आऊँ कैसे? ओ भैया नेगी भाई, अरे आप नेगी भाई, भाई नहीं रहते ना भाई, फोन अंदर रखते हैं, गजब गिरा था मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। This is one hell of experience. है ना? मैं जो गिरा तो मेरा हाथ, रिस्ट, कलाई पूरा पीछे गया और मैं कलाई के बल गिरा, तो अब मेरा ना ये रिस्ट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो निगी भाई ने बोला इसको घुमाते रहो, और अभी भी स्नो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो सामने गाड़ी, मैं अभी भी व्लॉग कर रहा हूँ यार, अलग लेवल है ना भाई। लेकिन चलते चलते तो नहीं यार, मतलब इसको फ़ोन, लकली एक्चुअली जो पीछे फ़ोन गया ना तो दीवार में जाके अटक गया, नीचे पानी बह रहा था। एक अंकल ने तो मुझे बोल दिया कि तुम्हारा फोन मैंने देखा, उन्होंने कितना कॉन्फिडेंटली बोला ना। हाँ, लेकिन वो झूठ था भाई। झूठ था ना? हाँ। लेकिन लोग कुछ हर कुछ ही बोलते हैं जो उनको समझ। सीरियसली ऐसा क्यों? लेकिन तभी मैं वापस गया ना, देखा वो ऊपर था, फंसा हुआ था ना। बिल्कुल, ये तो फोन में फुटेजेस होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग उस समय ऑन थी। एग्जैक्टली, वो पता चल जाएगा फोन गिरा कहाँ था। बर्फ जैसे मान लो ये है। हाँ ठीक है, ये बर्फ है, बर्फ के अंदर यूं गया था। अच्छा, यूं गया था पूरा, इसका सिर्फ और सिर्फ कैमरा दिख रहा था बस। जी अजू भाई नहीं, चलो 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 चलो, चलते नहीं, चलते मैं गिर जाऊंगा साला फोन। अगर नेगी है ना आपके साथ, थोड़ा सा बिलीव रखो मेरे ऊपर, इसको फोन। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अब नेगी भाई और हमने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ क्योंकि यार पता क्या, जब पीछे साइड गिरते ना तो आपका हाथ पीछे जाता है ऐसा और फोन जाता है वैसा। तो पहले मैं उधर था, मैंने कहा घाटी में गिरेगा तो नहीं होगा। अरे कोई आ रहा है क्या पीछे से? अरे अरे एक मिनट, साइड हो जा सर। अजू भाई आप सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, बैठ जाएं क्या हम लोग? नहीं क्यों बैठेंगे, अरे पीछे भी देखते रहो गाड़ी वाला बहुत बड़ी है, जल्दी कर ले बड़ा मार। गाड़ी बड़ी है लेकिन भागती भी ज्यादा है ना। ये देखो थोड़ा डर लगा, ये टायर रुकी हुई है, स्किड हुई जा रही है। क्या भाई? हाँ क्या चला रही है? रेडिएशन लग रही है। ये देखो यहाँ पे जो यू टर्न है ना, इस पे 4 लो पे हमने गाड़ी की हुई है अभी, और चेन भी लगा हुआ है तब भी गाड़ी स्किड कर रही है। मतलब मैं जो गिरा ना, अजू भाई वो फुटेज स्लो मोशन में डालना, ठीक है? मेरे को भी देना, मैं भी डालूंगा, अपनी बेइज्जती खुद कर। मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा, मेरे हाथ में इतना तेज चोट लगा ना। अंकल ने तो बोला कि फोन चला गया तुम्हारा,
मैं और मुझे फोन वो बोल दिया उन्होंने, उन्होंने मुझे तीन बार, मैंने कह रहा मैंने देखा तुम्हारा फोन पानी में गया 100% हाँ करने दो जो करना है, जो करेगी खुद करेगी, हाँ खुद करेगी ना तो। और चेन के साथ ना बहुत सहूलियत है, बहुत ज्यादा, मतलब चेन का बनाना सक्सेसफुल हो गया अजू भाई। नहीं तो यहाँ पे बट इसके लॉक मेरे को सही कराने पड़ेंगे। हाँ लॉक, लॉक आपको वापस से बनवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा क्योंकि वो ना खराब हो रखे, बैंड हो जाते हैं। चलो कहाँ पैदल कहाँ जाएंगे चाचा, गाड़ी मुड़ने में टेंशन हो रही है। ये देख रहे हो भाई साहब क्या स्नोफॉल हो रही है, हाँ बहुत ज्यादा स्नो है, स्नो से ज्यादा एक्चुअली। जब स्नो होती है ना तो आप इजीली चल सकते हो, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि सुबह स्नो हुई, दोपहर में धूप हो गई और उसके बाद वो पूरा पूरा शीशा बन गया, शीशा बन गया। तो अब शीशा बन गया ना तो भाई हमारी गाड़ी की स्पीड आप देखो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी। पीछे से जितने लोग, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जितने भी पीछे से लोग ना, पीछे से एक्चुअली टैक्सी वाले, वो उनको भी जल्दी है कि चलो भाई जल्दी पहुंचते हैं, बट यहाँ पे जल्दी का काम ना शैतान का होता है। और होगा शैतान, हाँ बिल्कुल। तो हमने कह दिया भैया हम हैं फुल बेशरम, हमें कहीं जाना नहीं है, भैया हमारे तो आज पीछे चलोगे। पिछला वाला भी बिल्कुल सही ला रहा है गाड़ी को, हाँ हम इस चैन को खोल भी सकते हैं आगे वाली, क्यों ये कुछ खराब ना कर दे, रात को अपना हीटर चला सूझे गाड़ी में। डीजल कितना है, हाफ टैंक है पूरा, हाफ टैंक है, हाँ तब तो निकल जाए। अब स्टैंडिंग कार में ज्यादा डीजल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, फिर मिट्टी लग रही होगी ना, हाँ मिट्टी लग रही थी मेरे भी, तो मैं तो खैर स्नो पे गिरा सफेदी पूरी, जो क्लैपिंग हुई ना पट 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 हर तरफ से शरीर की ना हर अंग में क्लैपिंग हो गई। जब फोन ढूंढ रहे थे ना तो वो पानी के ऊपर आइस जमी हुई थी, और तो मैंने पैर रख के चल रहा ना, एकदम चटचट आवाज आई चटकने की, और तो मैंने उसको पैर हटा दिया, वो पानी है, मैं भी लगा कैसे हट पानी आने, अरे मेरे को समझ में नहीं आया। मैं और मैं आपको बोल रहा हूँ अरे धीरे चलो यहाँ पे गिर जाओगे, आप कह रहे हो हटो यहाँ से हटो, मैं समझ ही नहीं पाया भैया कि नीचे जो नाला है ना, नाले के ऊपर पूरा आइस, हाँ थोड़ा यहाँ पे लगा के ना लेफ्ट, लेकिन पीछे से गाड़ी आएगी, हाँ तो गाड़ी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, लेफ्ट ले लो, ये चाय वाय देंगे क्या, यहाँ इतनी नहीं है स्नो, ना यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आगे वाले चैन खोलते हैं, अरे ये तो भाई साहब एक्सपीरियंस, हाँ सीरियसली पतला टायर, तो आगे की एक चेन ना यहाँ पे थोड़ा सा सही है, वैसे तो नहीं नहीं सिर्फ आगे वाला टच हो रहा है, सिर्फ आगे वाला, यहाँ पे एक्चुअली मिट्टी डाली है शायद इन्होंने, देखो या तो स्लश है, ये स्लश है ना, तो ये वाला चेन एक्चुअली ना सस्पेंशन में टच हो रहा है, तो इसको ना वापस से खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको खोल के निकाल ही दे, क्योंकि अगर एक बार हमारे साथ फंस गया, फंस गया है, हाँ इसका क्या लॉक करते हैं इसको, क्या लॉक से फंस गया है, नहीं देन टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा नहीं है, हाँ भाई वहाँ से देखो उसको खोल दो बस, अगर वो खुल जाए ना थोड़ा सा, गाड़ी ना रही पता चला, हेलो हेलो टप्पा, यहाँ पे गिरने मिट्टी वाला है ना, तो अभी निकल लेंगे तो फायदा रहेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत सारी धोख खा ली, हाँ अरे मैं तो जो ताबड़ तोड़ गिरा हूँ ना भाई ने इतनी धोख खाई है, पर इतनी धोख खाई कर भाई जिंदगी में नहीं खाऊंगा, अरे मेरे हर एंगल से दर्द हो रहा है ना, जिस चीज के लिए आए थे ना वो हो गया ना, हो गया है। मन खुश है, खुश बिल्कुल, बस तो सेकंड में ही रहने दे, सेकंड में अब मैं कह रहा हूँ थर्ड गियर लगा रहे, मेरा हाथ कैसे थर्ड गियर, अरे नहीं भाई वो आदत हो जाती है ना कि इतनी स्पीड के बाद थर्ड गियर ऑटोमेटिकली लगने लगता है। स्नो चेन ने बहुत हेल्प किया, बहुत ऑल्टरनेट टायर्स वगैरह सब फेल थे, हाँ, यार भाई पता ऊपर कती यार बिल्कुल एक ग्रिप ही नहीं है ना, कहाँ बनाएगा टायर, और आज तो कितनी गाड़ियां एक दूसरे में भिड़ेंगी ना, भिड़ेंगी यार ऊपर तो, और वो ऊपर से गाड़ियां नहीं आ रही है, हाँ 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 गाड़ियां बंद, नहीं ऊपर से बंद कर दिया गाड़ियों को आने के लिए, बंद कर दिया गाड़ियों को आने के लिए, सभी पैदल आ रहे हैं ना, उनको बोल देंगे अब नहीं जा सकते पैदल जाओ, वो रिकॉर्डिंग देखनी है यार ना, बहुत सीरियसली कैसे हवा में पहुंचता भाई, गजब गिरा ना मैं मेरे शॉट हो गए शरीर के सारे नर्व जितने थे
हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा। अच्छा उसके बाद भी जैसे ही दिखा ना, तुरंत मैं रिकॉर्ड ऑन करके मैंने कहा कंटेंट, ये 30 नंबर कर्व है भाई, 30 कर्व उतर दे अभी। काफी स्टीप है ये, काफी नीचे तक आ गई है बर्फ। हाँ भाई बहुत नीचे तक आ गई है, यहाँ सब थोड़ा ना तेज कर, हमें पता ना कहाँ तेज भाई, मैं थोड़ा तेज ऐसे कर दूंगा। पता चला सीधे बितरामपुर का रास्ता इधर है। अरे नीचे कहाँ जा रहे हो, ऊपर भगान कर, नीचे में जाओ ऊपर। जो टैक्सी वाले वो तो पीछे ही रुक गए, यहाँ पे बहुत आराम से आता है, यहाँ पे स्किड कर रहे हैं ना। मेरी गाड़ी लास्ट टाइम जब वहां पहुंच गए थे लेके गाड़ी सीधा। अच्छा यहां पे हुई थी। हाँ। ये टर्न बहुत खतरनाक है, देखो लेफ्ट खींचती गाड़ी पूरी लेफ्ट। हाँ और आगे एक्चुअली बैरिकेटिंग टाइप के नाम पे ना वही दो तीन पत्थर है जो बड़े वाले होते हैं वही है। बाकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करे। अरे सुमो वाला भाई कितना जल्दी में है ना, पीछे एकदम हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, देख रहा है कि यहाँ पे गाड़ी दिक्कत कर रही है भाई, है ना बितरामपुर के रास्ते के पीछे आ रहे हम लोग। बराबर क्या, जितनी लाइट है उतनी मार रही है भैया। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 30। चला दे। बितरामपुर का रास्ता है 3000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर पाकिस्तान है ना। नहीं एक सेकंड, अगर मान लो हम इस चीज को मान लेते हो, हम गाड़ी लग जाती है, हमको रेस्क्यू टीम आती है या बचाना कुछ भी होता है, तो भाई अभी तो ध्यान नहीं, भाई आपने बोर्ड लगाया हुआ था 30 की स्पीड पे, हमने तो 30 पे चलाई थी। सो अभी जो एक चेन लगाया ना उसको रिमूव कर देंगे, ताकि मैं लाइट दिखा रहा हूँ कुछ वो लेके क्या। अच्छा ये बहुत सिंपल है खोलना, बहुत सिंपल है खोलना, बस लॉक ना ये, पर ये टेढ़ा हो गया है, मतलब ये हो गया ना। हाँ। बहुत सिंपल है ये वाला, मेरे को ही बनवाना ना अजू भाई। हाँ बनवाना, आपने बनवाया था ना, बस जाते हैं अभी वही काम करना, अच्छे से बनवाना है। हाँ नहीं नहीं गाड़ी आने दो, उसके बाद इस गाड़ी में तो लगेगा नहीं ना। और ये तो हम आधे घंटे ही रुके थे वहाँ पे, ये काफी जाम लगा पड़ा इधर ना, तो मेन मनाली तो सामने है 500 मीटर पे, तो उसके बाद थोड़ा सा जाम कम होगा भाई। मजा है ना वो देख के, बाइक क्लिप अगर सच में आप देख ले, इसके बाद डालना, आप खुद देख के सोचोगे यार कितनी बुरी तरह गिरे थे भाई साहब। और अब जाके देख रहा उस टाइम सीन भी ये हुआ था कि मुझे पता भी नहीं चला था कि मैं गाड़ी को ले रहा था, और जैसे आप गिरे ना, मैं गाड़ी को छोड़ू तो छोड़ू कैसे, गाड़ी स्लिप करके जाए, फिर हम दोनों को साथ ऊपर लेके जाए। भाई इसको स्लो मोशन में एक बार डालता हूं भाई, क्या गिरा हूं मैं। हां मैंने बोला ना आपका, मैंने जब देखा ना, जब आपका फेस टच हो चुका था, आपने बोला मेरा फेस नहीं, मेरा फेस टच हुआ है भाई नीचे। अरे मेरे पीठ में दर्द है फिर। अच्छा आपको पता है दूसरी बार ना मैं इससे तेज गिरा हूं, उसके बाद आपके फेस में बर्फ पूरी तरह से लगी हुई थी, बर्फ लगी हुई थी। मैंने देखा, मैंने सोचा ये क्या हो गया भाई, अच्छा बर्फ पूरी चिपकी हुई थी मतलब दाढ़ी में। सही है ये सब होता रहता है, छोटे छोटे चीजें बर्फ है जब तो। भाई साहब यहाँ पे हम मस्त पी रहे चाय। नेगी भाई आपके पैर ठीक है भाई, दर्द हो रही बहुत बहुत तेज। अरे नेगी भाई उस समय जब हम लोग यहाँ पे चक्की सष्टांग इधर से आवाज आई, हम देखे नेगी भाई लेटे पड़े सष्टांग, नेगी भाई ना ऐसे थे पूरे पूरा पैर सीधे, और हंस रहे हमको देखे भाई नीचे कुछ नहीं करना है। सर बजने वाला था लेकिन थोड़ा स्लिप हो गया, तो आपने आपने मेरे को देखा ना, मैं कैसे भाई का तो बज गया था, पर भाई को खुद मेरा तो भाई को खुद अरे मैं तो उठा, मैं कब फोन का है मेरा। वो तो दूसरा था। नहीं वो दूसरा, दूसरे में मेरे को पता है पहले वाले से ज्यादा दूसरे में चोट लगी। हाँ दूसरे ये तो रिकॉर्ड हुआ ना, उसमें मैं और तेज से गिरा, उसमें दिखा ना पाउंड घूमता, अरे बहुत ऊपर गया था फोन उसमें, और भाई फोन ना कम से कम ना 1.5 मीटर ऊपर, उस गिरने में ना 1.5 मीटर ऊपर गया था। और वो बुड्ढा क्या बोला, 110% श्योर है कि आपका पानी बह गया। पता है क्या हुआ था, जब नेगी भाई मेरे से बोल रहे थे ना, मैं इसी चक्कर में था, मैं यहाँ से बह के आगे तो कहीं जाएगा। हाँ। तो मैं आगे गया, अब अरे पानी, वो पानी वाला सीन तो वही तो था, अब मैं आगे चल रहा हूँ, विकास मेरे भाई मेरे पीछे, इतना बड़ा चौड़ा वो था। हाँ, इतना चौड़ा था, इतना ही चौड़ा था। हाँ, 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 एग्जैक्टली। चल रहा हूं, और उसके बगल से पानी बह रहा था, उसके राइट से पानी बह रहा था। हाँ, राइट था, राइट में पानी था, और जैसे मैं चला उसमें आवाज आई, जैसे चटकती है ना बर्फ चटकती है, और मैंने साथ साथ ऐसे करा ना, उसमें देखा पानी, नीचे पानी बह रहा है, नहीं तो
ऊपर मैंने विकास भाई को, मैं विकास भाई हट जा ऊपर निकल, ये मेरे से आराम से चला, आराम से। हाँ, मैं क्या गिर जाएगा? कह रहे तो अभी बर्फ पे चल रहे, नीचे नीचे पानी नाले में चल रहे भाई, दबान वाला वाला हो रहा था। ओ भाई साहब, जो मतलब शरीर जितना तेज स्पीड दर्द हो रहा है ना, बट मजा बहुत ताबड़ तोड़ा है। देख यार, आज का ना जो कहते पूरा ट्रिप का था ना, वो पूरा मजा आ रहा है। मेन जो वो कहते ना कि शो स्टॉपर, आज शो स्टॉपर था भाई, पूरा ट्रिप का ना मजा ही आ गया। आज दो घंटे में जो मजे किए ना हमने, जान पे खतरा और ये जो उड़ता तीर हम खोज रहे थे ना, आज मिल गया भाई, हर तरफ से था उड़ता तीर ऐसा। अरे उड़ता, मैं खुद उड़ के तीर पकड़ा हूँ, बहुत तगड़ी बार उड़ता तीर लिया अभी बार। अरे सीरियसली भाई, सीरियस दो तीन बार गिर गिरने के बाद ना बहुत मजा आता है, बहुत। मैं तो वीडियो क्लिप, आपने कभी कहानी सुनी है पुलिस के पिटे का? और कभी हमेशा रिपट के गिरने का बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज है। हम किसी को धक्का तो मारने देते हैं, और वहाँ पे एक बंदा ऐसा नहीं था जो गिरा नहीं, एक बंदा ऐसा नहीं था। जिस तरफ आंटी वांटी लोग कितना गिर रही थी, तो खड़े हो ही गिर जाए, खड़े हो ही गिर जाए। हम एकदम से बाद कभी कोई आवाज आई थोड़ा, मतलब हर एक बंदा गिर रहा था, हर एक बंदा जो दो कदम पैर नीचे, मतलब पैर कितना भी रख। और मेरे बूट्स ना, मतलब इसके ग्रूव्स दिखाता हूँ, ये देखो, ये थे। अब गाड़ी के ग्रूव्स देख लो, सोच लो कि कैसे पिघल रही थी, मतलब कैसे फिसल रही थी, पिघल रही थी कह रहा था। तो चलो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल अच्छा लगना चाहिए भाई, यही तो। हाँ भाई, अच्छा लगना चाहिए, इसमें हमने बहुत मेहनत की है, बहुत पिटे हैं, बहुत पिटे हैं, बहुत पिटे हैं। की बात आई थी भाई, हड्डियां, हां हड्डी, बैकबोन, पता नहीं दांत पे लगा कर, जान बच गई, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। बात ये कि हम भी सही सलामत आ, गाड़ी भी आ गई। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी बात। और ये मेमोरी, ये स्टोरी, मतलब इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग यार। हां, ये याद करेंगे विकास भाई यहां गिरे थे। मेरा मैसेज Thank you.